पाकिस्तान यांच्यातील परराष्ट्र सचिव पातळीवरील चर्चा रद्द झाल्यानंतर काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीनं काय प्रतिक्रिया दिली आहे ती पाहूया. 3 दर्जन से ज्यादा भारत की सरहद में पाकिस्तान की सेना द्वारा अतिक्रमण हुआ और उसके बाद जो पाकिस्तान के उच्चायुक्त हैं यहाँ पर उन्होंने अलगाववादियों को बातचीत के लिए बुला लिया. तो ये सारे घटनाक्रम को अगर आप संज्ञान में ले और उसके बाद भारत ने पाकिस्तान के साथ बातचीत की पेशकश कर दी और इस्लामाबाद तक जाने के लिए भारत की जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं वो तैयार हो गई, ये साफ तौर पर बताता है या तो सरकार के ऊपर कोई भारी दबाव है जिस दबाव का खुलासा सरकार नहीं कर रही है या सरकार की कोई पाकिस्तान को लेकर नीति है ही नहीं. हुर्रियत लीडर से बात न करें, ये एक संदेश हमारी तरफ से गया था, हमारे प्रदेश मंत्रालय से ये मैसेज वहाँ गया था. उसके बावजूद उन्होंने उसकी परवाह न करते हुए हुर्रियत से बात की, इससे एक गलत संदेश जाता है. इसलिए हमने जब इस मामले को, अगर हमारे दरमियान के मामले को तय करना है तो सबसे ऊपर दोनों ही लोकतंत्र सरकारें हैं, पाकिस्तान और भारत की सरकारें बात करें, न कि किसी नीचे के लोगों ने तय करना है, ये कोई ग्रुप तय करेगा, कोई ऑर्गेनाइजेशन तय करेगी, ये बात ठीक नहीं लगती. लडाखच्या बर्त्से परिसरात चीनी सैनिकांनी 17 ऑगस्टला 25 ते 30 किलोमीटर